तो है। तो हम लोग पूरी तरह थक गए, थोड़ा सा रेस्ट लिए, अच्छा लगा। दोस्तों आप सभी को मेरे तरफ से नमस्ते जोहार। मेरा नाम है रतनलाल मुंडा और मैं रांची झारखंड से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और मेरा ये छोटा सा गांव, प्यारा सा गांव का नाम है तारू। तो आज का व्लॉग यहां शुरू कर रहे हैं। देखिए अभी हम लोग दोइन जाने के लिए तैयार हो गए हैं। सावन का महीना चल रहा है और आज है संडे, यानी कि रविवार के दिन में हम लोग आज फिर से जा रहे हैं रोपा रोपने अपने खेत में धान लगाने के लिए। तो हम लोग के यहाँ जुलाई और अगस्त के महीने में ही धान की रोपाई की जाती है। तो पहले भी आप लोग को ब्लॉग दिखाए हैं, वीडियो दिखाए हैं, तो आज हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए आप लोग को लेकर चलते हैं। इससे पहले आप लोग को मौसम दिखाना चाहेंगे, तो देख सकते हैं किस तरह का मौसम है। और आज का मौसम जो है काफ़ी सुहावना है, क्योंकि ज़्यादा धूप भी नहीं है, यानी कि एक दो बार धूप निकला था और कल परसों और उसे एक दिन पहले, यानी कि तीन दिनों तक लगातार बहुत ज़ोर से बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से हम लोग धान की खेती रोपाई करने के लिए तो गए थे लेकिन बढ़िया से रोप नहीं पाए। और कल भी एक शाम काम हुआ, लेकिन आज देखिए सुबह से हल्की बारिश हुई है लेकिन अभी तक बारिश फिर से हुई नहीं है, अभी बारिश रुकी हुई है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं, देखते हैं दिन भर में जितना भी काम है हो सकता है पूरी करके आएंगे। दोस्तों हम लोग काफ़ी दूर जाएंगे, अभी पैदल चलना होगा, तो पैदल हम लोग लगभग 3 किलोमीटर चलते हैं। 3 किलोमीटर दूर एक पूर्वी तारूफ है, यानी कि दूसरा गांव है, वहां से भी आगे हम लोग को जाना होगा उस पार नदी के आसपास। तो इतना दूर हम लोग को चल के जाना होता है पैदल, तो अभी हम लोग 3 किलोमीटर पैदल चल के जाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग का जो अभी घर के आसपास का इस तरह का दिखाई देता है, और आप लोग को दिखाएँ तो देखिए बारिश होती थी उसमें पूरा झटास अंदर तक जाता था। एक छोटा सा तिरपाल लगाए हैं ताकि अंदर झटास ना जा सके, दरवाज़ा जो भींग जाता था, पलाई का दरवाज़ा है तो दरवाज़ा ख़राब होने का चांस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ना भींगे इसलिए यहाँ पर छोटा सा तिरपाल लगाए हैं। और देखिए यहाँ से थोड़ा बाउंड्री यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, दीवार छोटा सा उठाए हैं, अभी तो कचरा ऐसे फैला हुआ है। यहाँ पर इस तरह से 3-4 खूंटा देंगे, उसके बाद में उधर अल्बेस्टर रखा हुआ है, तो अल्बेस्टर से पूरा यहाँ पर रूम जैसा बना देंगे ताकि उसमें बकरियाँ या किचन वगैरह बना सकें। इसकी तैयारी हो रही है फिलहाल, तो बरसात के दिनों में देखिए बकरी और लकड़ी को बचाने के लिए जैसे तैसे यहाँ पर अरेंज किया हुआ है। तो दोस्तों अभी सिर्फ मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ में मेरी वाइफ जी ममता जी जा रही हैं। और तो देखिए किशन भी तैयार हो चुका है और कोड़ी लेके ये भी आ गया है। देखिए हम लोग का कुदाल कुछ इस तरह से होता है, जिसे हम लोग कोड़ी बोलते हैं, और कुदाल बोलते हैं जो इसका आधा रहता है, पतला सा रहता है, उसे कुदाल बोलते हैं। ये तो चौड़ा है तो ये कोड़ी है। तो चलिए दोस्तों दोइन की तरफ चलते हैं और आगे की बातें आगे जाकर करेंगे, वहीं पहुँच कर करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं कपड़ा चेंज कर लिए हैं दोइन जाने के लिए, और इस तरह से हम लोग पहन के, पुराना वाला जो कल पहने थे वही वाला पहन के आज भी जा रहे हैं, क्योंकि गंदा हुआ है तो रोज़ रोज़ देखिए धूप भी नहीं है तो कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं। हम लोग देखिए दोइन पहुंच चुके हैं और काफ़ी दूर पैदल चले, काफ़ी थक गई है रमता जी, थोड़ा सा आगे निकल गई। देखिए इस तरह का यहाँ पर सीन दिखाई देता है। दोस्तों हम लोग दोइन पहुंच चुके हैं और देखिए इतना दूर आते आते थक गए, थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं, आराम करते हैं, उसके बाद में फिर से काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो इधर देखिए इधर ममता जी भी पूरे तरह थक गई हैं, तो ये भी बैठी हैं, थकी हैं कि नहीं। और देखिए माँ भी उधर बैठी हुई हैं, एक बार दिखाइए, देखिए माँ भी बैठी हुई हैं। तो हम लोग पूरी तरह थक गए, थोड़ा सा रेस्ट लिए, अच्छा लगा। और फिर अभी हम लोग काम करने के लिए जा रहे हैं। देखिए कल जो आए थे यही वाला दोइन रोपे हैं, और इससे आगे जो है ऊपर वो वाला दोइन रोपे हैं, तो कल बारिश हो रही थी इसलिए ज़्यादा काम नहीं कर पाए। तो इस जगह को बोलते हैं मंझियस, और मंझियस किस लिए नाम रखा गया वो तो पता नहीं, लेकिन इसे मंझियस बुलाया जाता है। और सिंगामुड़ी भी जाना है, जहाँ पर दोइन की शुरुआत होती है तो वहाँ पर नाम रखे हैं सिंगामुड़ी, पहले से लोग नाम रखे हैं, तो सिंगामुड़ी पर भी चलेंगे, तो पहले यहाँ काम कर लेते हैं। दोस्तों मौसम भी आज बहुत अच्छा है, क्योंकि धूप भी नहीं है, बारिश भी नहीं हो रही है, सिर्फ छाया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है।
हम लोग सोच रहे थे कि धान घट जाएगा यहाँ पर, बीड़ा घटेगा, लेकिन देख सकते हैं बीड़ा भी नहीं घटा, पूरा हो गया। और ये खेत रोपने में हम लोग का 1 घंटा लगभग समय लगा। तो दोस्तों अभी हम लोग चलते हैं सिंगामुर, जहाँ पर बोलते हैं उधर चलेंगे, क्योंकि अलग अलग साइड में हम लोग का खेती बाड़ी है। तो यहाँ पर देखिए रोपा रोप चुके हैं और मौसम भी अभी पहले से कुछ अलग हो गया है। पहले तो थोड़ा रोशनी लग रहा था, लेकिन अभी फिर से छाया हो गया। और सुबह के समय में ऐसे हवा नहीं था, लेकिन अभी देखिए ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, तो काफ़ी ठंडा भी लग रहा है। और अगस्त के महीने में तो आप लोग जानते हैं कि ठंडा का सीज़न शुरू हो जाता है अगस्त के महीने से ही, यहाँ खास करके झारखंड में। दूसरी जगहों पर तो मुझे मालूम नहीं कि कौन से सीज़न से ठंडा बढ़ाता है, लेकिन हम लोग यहाँ अगस्त के महीने से ही ठंड बढ़ जाती है। अभी आ गए हम लोग सिंगामुड़ी। देखिए ये दो इन को बोला जाता है इधर इस साइड में सिंगामुड़ी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से दो इन की शुरुआत होती है। तो दो इन यानी खेती बाड़ी जो कुछ भी है सभी जगहों का नाम रखा जाता है, क्योंकि जगह का पहचान हो, इसलिए इसको कहा जाता है सिंगामुड़ी। तो हम लोग अभी सिंगामुड़ी पर हैं और देखिए यहाँ पर दो दो गाड़ियाँ चल रही, आप लोगों को हल्ला सुनाई दे रहा होगा, गाड़ियाँ का आवाज़ आ रही होगी। तो देखिए आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह से हम लोग का दो इन है। तो देख सकते हैं यहाँ से जितना दूर आगे तक दिखाई दे रहा है, जो बांध दिखाई दे रहा है वहाँ से लेकर के देखिए यहाँ तक लगभग जो खेत दिखाई दे रहा है, लोग दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर एक ट्रैक्टर चल रहा है। तो वहाँ से ऊपर सिंगामुड़ी कहा जाता है, फिर वहाँ से नीचे दूसरा नाम है। तो अभी हम लोग सिंगामुड़ी पर आए हैं, देखिए हम लोग धान बीड़ा उखाड़ना है, तो बीड़ा भी उखाड़ रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग का खेत जोताई हो चुका है और बाकी चाचा लोग का खेत अभी देखिए जोताई हो रहा है। तो काफ़ी समय हो गया, बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लगा। और इधर दो तरह का हल चलता है, एक कांटा वाला और ये रोटावेटर वाला, यानी कि पंखे के द्वारा ये जुताई होती है। तो देखिए अभी हम लोग का लगभग आधा घंटा समय लग गया, तो अब थोड़ा सा रोपा रोप लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा धान भी लगा लेंगे और बहुत समय हो गया, तो बाकी बात काम कल काम करने के लिए आएंगे। तो अभी इतना ही सा, अभी थोड़ा सा रोपा रोपने के लिए है। तो दोस्तों अभी रोपा रोपने के लिए जा रहे हैं और ये सावन के महीने में जो रोपा रोपने का जो समय आता है, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत तो लगता है, लेकिन मन में बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है, क्योंकि इसी अनाज को हम लोग साल भर खा के रखते हैं, यानी कि साल भर खाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण मौका होता है हम लोग के लिए, किसान के लिए, जब हम लोग धान की बुआई करते हैं। तो दोस्तों आप लोग को मौसम का हाल दिखाएं, तो देखिए सूरज अभी आसमान में है और आप लोग को सूरज दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर सूरज है बीच में और बादल है, इसलिए आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा अभी फ़िलहाल, लेकिन देखिए बादल चारों तरफ है। इधर नज़ारों की बात की जाए तो नज़ारा तो बहुत सुंदर है दोस्तों, इधर हर तरफ जिधर भी देखेंगे नज़ारा एक से एक है। यानी कि ये जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, आप लोग अगर पहाड़ घूमने जाएंगे तो पहाड़ का वीडियो बना के दिखाएंगे, इसे कहा जाता है मुंडा पहाड़। और वहाँ पर है बांसुरी पहाड़, और वो पहाड़ को कहा जाता है बसिया पहाड़, और इधर एक पहाड़ उसे कहा जाता है तीर पहाड़। तो इधर जगहों का भी नाम बड़ी सुंदर सुंदर रखते हैं, और गांव में जैसे जैसा जगह है, जैसे जैसे लोग जिधर जिधर खेती बाड़ी है उसके हिसाब से अपने स्थानीय नाम रखते हैं। तो दोस्तों अभी रोपा रोपने के लिए चलते हैं, देख सकते हैं यहाँ से दो इन हम लोग का कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और देखिए मेरी माँ लोग तो खैर रोप रही है, लेकिन हम भी जाते हैं हेल्प करने के लिए, क्योंकि कोड़ने का जो काम है वो पूरा हो चुका है। भात है इसमें, भात है, दाल भात और छोटा वाला किसान तो यहाँ खाओगे है? तो कहाँ खाओगे? थोड़ा सा चिकन बैठे हैं घास में, आलू सब्जी है बोल रहे हैं तो मस्त सब्जी है, रंगे देख के लग रहा है बड़ी बढ़िया लगे। पूरा जोताई करके तैयार हो गया रोपने के लिए, और देखिए यहाँ से इतना सारा जोताई करने में 15 नहीं 18 मिनट का समय लगा।
और इसमें हम लोग धान बो रहे हैं। देखिए इस तरह से हम लोग रोपा रोपते हैं, आप लोगों को पहले भी दिखाया है, सुबह में भी रोप रहे थे और यहाँ पर भी रोप रहे हैं। बड़ा बढ़िया कादो है। चले तो दोस्तों हम लोग धान की खेती अभी रोपाई कर चुके हैं, बाकी रह गया लेकिन कल फिर से आएंगे। पीछे बताइएगा और पत्थर है तो अभी शाम होने को है तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं, तो काफ़ी दूर अभी फिर से चलना होगा हम लोग को, 3 किलोमीटर तो बहुत दूर अभी जाना है। अभी दो इन पार करना होगा, एक दो इन पार कर चुके हैं, एक दो इन यहाँ पर देखिए इधर पार करना होगा, फिर आगे भी एक दो इन है वहाँ पर भी पार करना होगा। तो चलिए दोस्तों अब घर चलते हैं और काफ़ी थक गए हैं तो घर जाके आप लोग से इत्मीनान से फिर से मेरी मुलाकात होगी। तो चलिए अब घर चलते हैं और वहाँ देखिए मम्मी पापा लोग आगे निकल चुके हैं, हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करने के चक्कर में थोड़ा पीछे रह गए। कैसा लग रहा है जी, थक गए क्या? पैदल जी ना चल रहे हैं, सामान कहाँ लिखवा रहे हैं? हम तो और नहीं लिख सकते, सच्ची बता रहा हूँ। उतरिए आराम। तो देख सकते हैं हम लोग का खेत कैसा जगह में है, ऊंचा नीचा कहीं पर बहुत ऊंचाई जगह हो गया, देखिए धसना इधर है तो कभी गड्ढा में उतर जाते हैं कभी ऊंचाई में चले जाते हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग घर आ चुके हैं और क्योंकि कादो कीचड़ में काम किए, देख रहे हैं किस तरह से कादो था, इतना कादो था 1 फीट और उसमें हम लोग रोपा रोपे धान की खेती लगा के आए हैं और कल भी जाना है। तो कल का व्लॉग तो आप लोग को दिखाएंगे। तो हम लोग का पूरा जो है कपड़ा गंदा हो गया था, हाथ पैर धोए, देखिए कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए हैं तो अब फ्रेश लग रहा है। तो दोस्तों आज का व्लॉग जो है यहीं पर एंड करना चाह रहे हैं क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी, तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। तो आप सभी अपनों के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। मैं रतनलाल मुंडा आप लोगों से इजाज़त देता हूँ झारखंड के रांची ज़िले के एक छोटे से गाँव तारूप से। नमस्ते जोहार।